और आप जैसे लेडीज हो के यहाँ पे जिस पुल पे खड़े हो, ये भी तो अच्छा नहीं लग रहा है, तो ये भी ये उससे तो घटिया ही लग रहा है ना। अगर कंपनी में बैठ के कुर्सी पे बैठ के आप जॉब कर रहे होते कहीं कर रहे होते, वो उससे तो ये घटिया ही है ना। ऐसा तो नहीं होता, वैकेंसी तो मिल जाती है। कोई कोई नहीं आ जाते हैं, बताओ बताओ सही से बताओ। मैं कौन सा प्रचार करने लग रहा हूँ, मुझे बता दो ये एक्चुअल में मामला क्या है भाई साहब। ये हम लोग को बांटने का 500 मिलता है, हम लोग इसलिए बांट रहे हैं, 2 घंटे का कैंसिल करके खड़े करें। नहीं तो 3-4 घंटे के 8 से 12 हजार रूपए दे रहे हो। सर बताएंगे, बात करके देखो ना मेरे सामने। अभी ये भैया भी करके गए। नहीं वो छो गए, सही से बता दो आप। ऐसा कुछ नहीं है, आने के लिए 500। ठीक है मैडम, वर्कर्स कॉल किया क्या? इसमें क्या 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 करना रहता है? दवाई की कंपनी है, दवाई की कंपनी है, फार्मेसी की। फार्मेसी की हाँ। तो तीन, इस पे लिखा हुआ है 3-4 घंटे का 8,000। क्या मैडम जी? मला मिस कर 3-4 घंटे का 8,000 से 15,000। नाइन डबल जीरो 4651268। ये नंबर किन के? आपके खुद के? नहीं, कंपनी के। हाँ कंपनी का। क्या नाम है आपका? कट कर इनमें करना क्या रहेगा? आप नंबर लेके गए ना? अभी मैं लेके गया था। अभी लेके गए अरे डबल नहीं, वो मैंने फेंक दिया, फिर मेरे दिमाग में आया, मैं वापस आया पूछने के लिए, वहाँ से वापस आ रहा हूँ, मैं वापस आया हूँ पूछने के लिए, इन्होंने ले लिया मेरे से। लेकिन ये है क्या? हेलो, पूरे काम के बारे में बताओ। मेरा नंबर नहीं तो काम क्या करना पड़ेगा वो बताओ। फार्मेसी का काम? फार्मेसी में क्या करना पड़ेगा? फार्मेसी में आओ, मैडम बताएगी आपको। तो कोई मतलब स्कैम तो नहीं है, मतलब ऐसे बच्चों को ऐसे बुला लेते हैं? नहीं, जैसे इसमें मतलब रियल में कोई काम है या फिर कोई स्कैम है? कोई लड़की वड़की का मामला तो नहीं है ऐसा? कोई बहुत ज्यादा स्कैम भी चलते हैं मतलब, खुला बताओ मामला क्या है, ऐसा नहीं उधर जाके मतलब कुछ प्रॉब्लम हो जाए, सही से बता दो आप। ऐसा कुछ नहीं है। मैं राजस्थान से हूँ। नहीं, अगर ओरिजिनल में जो वैकेंसी होती है तो इस प्रकार से पर्चे बांटने की जरूरत नहीं है, वर्कर्स जो है वो आपको भर भर के मिल जाएंगे अगर काम करने की वैकेंसी होती है। मतलब मैं ये पूछ रहा था कि जैसे आप मतलब इनको मैंने मेरा नंबर दे दिया है, ये रियल में जॉब है या फिर कोई स्कैम? स्कैम तो कुछ नहीं है ना, मिलता है इसमें रियल में। कॉल करके देखो, झूठ लग रहा है तो। ये नंबर ले लिया मैंने इनका मैडम का, इनका झूठ लग रहा है तो कम है। इस नंबर पे कॉल करके पूछो, काम मिलता है वो बताएंगे आपको। नहीं तो 3-4 घंटे के 8 से 12 हजार रूपए दे रहे हो। सर बताएंगे, बात करके देखो ना मेरे सामने। अभी ये भैया भी करके गए। नहीं वो छो गए, लेकिन अगर ओरिजिनल में अगर मान लो कोई जॉब देते तो, जैसे न्यूज़पेपर में भी कंपनी वाले ऐड देते तो बहुत सारे भर भर के वर्कर मिल जाते हैं, यहाँ काम की तो बहुत ज्यादा कमी है वैसे। कमी तो आप तो ऐसे बांट रहे हो तो थोड़ा क्या करेंगे, हमारे वैकेंसी खाली है इसके लिए। ऐसा तो नहीं होता, वैकेंसी तो मिल जाती है। मिल जाती तो कोई कोई नहीं आ जाते बांटते। हाँ बताओ बताओ, सही से बताओ है क्या? मैं कौन सा प्रचार करने लग रहा हूँ, मुझे बता दो ये एक्चुअल में मामला क्या है भाई साहब। ये हम लोग को बांटने का 500 मिलता है, हम लोग इसलिए बांट रहे हैं, 2 घंटे का कैंसिल करके खड़े करें। हम लोग को बांटने का मिलता है ये भैया को, वही। अगर मान लो मेरी कंपनी है और मेरे यहाँ पे मान लो 100 की जॉब खाली है, तो किसी को अगर मार्केट में हवा भी लग गई ना इस कंपनी में है तो भीड़ पड़ जाएगी 1,000 लोगों की, और आप ऐसे पर्चे बांट रहे हो लोगों को बुलाने के लिए, तो वो तो स्कैम लग रहा है। बांटने का काम दिया जा रहा है, इसलिए हम लोग बांटते हैं। हम लोग को क्या करना है, हमें दिन में फ्री रहते हैं, इसके लिए हम लोग बांटते हैं। हम लोग को क्या करना है?
हम लोग को 500 मिलता है इसलिए हम लोग बांटते हैं, क्या करने का। कौन जाएगा 12 घंटे से 8 घंटा। बाकी क्या है, क्या पता ऐसे लड़कों लोगों को बुला लिया जाए, फिर वहाँ कोई स्कैम हो जाए, कोई बच्चे कहीं पे भी बुलाते होंगे, स्कैम होगा तो स्कैम में फंसेंगे बच्चे। फोन पे तो कोई जवाब थोड़ी देगा, वो स्कैम थोड़ी बताएगा स्कैम में, आप आओ कंपनी आओ वहाँ आओ ऐसा। क्या बोलेगा आपको पता चलेगा ना। इसमें मतलब पढ़ाई वढ़ाई कितनी, कुछ नहीं चाहिए, तो आप भी तो वहाँ जॉब कर सकते थे आप 500 रुपए घंटे से, यहाँ ये पर्चे बांट रहे हो। स्टडी भी करती हूँ ना, उधर जैसे आप यहाँ पे खड़े हो तब तक आप वहाँ पे जॉब भी कर सकते थे 3-4 घंटे। मेरे को नहीं करना उसमें, मेरी मर्जी है ना, मैं घर वाली जॉब के लिए मना करे तो मैं ये बांटने का काम करती हूँ। ये भी तो एक तरह की जॉब ही है, यहाँ खड़े हो लोगों का जॉब है ये तरीके का, ये बस बांटने का काम है। और आप जैसे लेडीज हो के यहाँ पे जिस स्कूल पे खड़े हो, ये भी तो अच्छा नहीं लग रहा है, तो ये उससे तो घटिया ही लग रहा है ना। अगर कंपनी में बैठ के कुर्सी पे बैठ के आप जॉब कर रहे होते कहीं कर रहे होते, वो तो उससे तो ये घटिया ही है ना। अभी मैं जाऊंगी पार्ट टाइम के लिए, मेरे को कोई पार्ट टाइम देगा नहीं, अब देगा तो उनके हिसाब से देगा, वही तो कुछ भी कहो आप भले मेरे को उन्हें मत बताओ, लेकिन ये है बड़ा स्कैम। या फिर ऐसा होगा कि आप उसको बुला रहे हो, फिर 100 रुपए फॉर्म फीस भराओ ये भराओ, उस हिसाब से वो फॉर्म की फीस भी इकट्ठे कर रहे होंगे, ऐसा कुछ न कुछ होता होगा। अब आ जाओ भाई चाय देखने के लिए। चलो आऊंगा मैं, 25 रुपए में नहीं आऊंगा, ठीक है नाइस। क्या कह रहे हो, मैं तो कॉल मेरे हिसाब से करूंगा, आपके सामने क्यों करूंगा कॉल। अरे करो आपके हिसाब से करो। मैं तो मेरे आपके हिसाब से करूंगा, नहीं रुकोगे। वही तो कह रहा हूँ, मैं तो मेरे हिसाब से कॉल करूंगा। आपकी मर्जी, आप जब मर्जी कर सकते हो। तो भाई इस प्रकार के स्कैम भी चलते हैं यहाँ पर। एक एक्चुअल में उसने मेरे को पहले भी इस प्रकार की पर्ची दी थी, फिर मैं आगे चला गया था इसको पढ़ के, फिर उस हिसाब से मेरे को वापस आना पड़ा था। मैंने कहा भाई एक्चुअल में है क्या, मैं वापस आके पता किया, ठीक है। तो दोबारा मैंने पर्ची ली, सारी जानकारी जो है वो मैंने कैमरे में रिकॉर्ड किया, इस प्रकार से आपको दिखाया। तो ऐसे स्कैम भी है, इनसे बचना भाई। अगर ये इस प्रकार से बिना पढ़ाई की ये इस प्रकार से जॉब दे रही है, तो तू खुद यहाँ पे भाई फुटपाथ पे क्यों खड़े है। एक्चुअल में ये स्कैम वाले क्या करते हैं कि अच्छी दिखने वाली लड़की जो होती है वो इस प्रकार से खड़ी करते हैं, तो फिर क्या है जो लड़के लोग हैं वो अट्रैक्टिव होके उनको नंबर दे देते हैं, शेयर कर देते हैं, फिर मोबाइल जब हम कॉल करते हैं ना, या फिर या हमारे नंबर लेने के बाद जो कॉल आएगा वो कोई लड़की करेगी, वो मीठी मीठी बातों में आपको फंसा देगी, और फिर कुछ न कुछ स्कैम आपके साथ हो जाएगा। स्कैम किस प्रकार से होगा कि आप वहाँ पे जाओगे तो कंपनी में जॉब पाने के हिसाब से आपको 500 से 1000 रुपये जो फॉर्म फीस है, इस प्रकार से बाद में और भी बहुत सारे चार्ज और अलग अलग बतेरे तरीके हैं भाई साहब लूटने के गरीबों को। तो ये इस प्रकार से बहुत ही ज़्यादा स्कैम चलता है मुंबई के अंदर। ये स्क्रीन के ऊपर मैं आपको ये इस प्रकार से नंबर दिखा रहा हूँ, इस पर आप जरूर कॉन्टेक्ट करें, इनको कॉल करें, इनकी पूरी ऐसी की तैसी कर दें आप कॉल लगा लगा के। तो इस प्रकार से आप जो है वो धोखाधड़ी से आप बिल्कुल ही ज़्यादा सावधान रहें भाई।